देखें अभी ये हमारे सामने जो है ना, ये पुराना जो स्ट्रक्चर है जो पत्थरों का और मट्टी का गारा का बना हुआ है, ये पुराना हमारे मकानात है। और इस तरफ जो है ये पत्थर का बना हुआ, ये लेटेस्ट है। अच्छा। और वो भी जो है ना वो पत्थर का बना हुआ है, वो भी सीमेंट का बना हुआ है। सीमेंट कर दिया हुआ है। ये गारा का, गारे का और पत्थर का, पत्थर का बिल्कुल। सो दिस इज द विलेज लाइफ जो कि मैंने आपको दिखाई, यहाँ की हुंजा में किस तरह से लोग रहते हैं। बहुत सादा सी जिंदगी है इनकी, और ये वो लोग हैं जो एक्चुअली बहुत थोड़े में भी खुश हो जाते हैं। प्योर ऑर्गेनिक डाइट लेते हैं, प्योर ऑर्गेनिक जो फ्रूट्स हैं वो लेते हैं। एंड आई जस्ट एम लविंग दिस लाइफ सो फार। अगर मुझे कभी जिंदगी मौका मिले ना यहाँ पे कुछ ज्यादा अरसा रहने का, 3-4 महीने, आई वुड लव टू स्टे। लेकिन अभी तो चूंकि हम लेट हो रहे हैं बिकॉज वी हैव टू गो अगेन एज वेल, एंड एज आई हैव टू टेक यू अ वेरी स्पेशल प्लेस, तो मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। चले चले जी। अभी हम आपको जो है ना ये यॉक, जिसको उर्दू में खुशगांव भी कहा जाता है, उसके सींग ये पड़े हुए हैं और ये हम आपको दिखा देते हैं, तो आप आ जाएं देखें इसको। ये असल वाले है ना? असल वाले यॉक है। अच्छा। तो ये देखें यहाँ पे ये सींग रखा हुआ है। वाह वाह, ये तो बहुत बड़े साइज का है। जा इट्स ह्यूज, इसको पकड़ लूं मैं? हाँ पकड़ ले, बिल्कुल आप पकड़ लो, उठा भी ले, पकड़ लूं। हाँ इसी तरह से भाई, ये तो बहुत वजनी है, इट्स वेरी हेवी, बहुत मुश्किल है इसको उठाना। आई विश आई कुड पुट इट इन फ्रंट ऑफ बाइक, लेकिन एक्चुअली बहुत हेवी है तो मैं ये नहीं कर सकती। आई एम गोना कीप इट हियर, थैंक यू। ये मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी यॉक है, नहीं? हाँ ये बड़े साइज का है, ये बड़े साइज का यॉक है जो ना। सही है। अच्छा, I have reached to the house जहाँ पे खाने का इंतज़ाम किया गया है। अच्छा, यहाँ की पहले मैं आपको ख़ास बात बताते चलूँ, ख़ास तौर पे इस खैबर गाँव की, कि जब भी आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो आप क्या करते हैं कि अपने जूते पहले बाहर उतारते हैं, तो इससे पहले मैं जूते उतारूँगी और फिर जाऊँगी अंदर। हम लोग इस वक्त डाइनिंग रूम में बैठे हुए हैं, और ये बेसिकली जो घर है ना, दैट इज पामरी हाउस या वखी हाउस, क्योंकि एक ही चीज़ है ना सर, एक ही चीज़ है। और ये घर बड़े ख़ास तर्ज के होते हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि देखें इनका बड़ा बेहतरीन सा तरीकाकार है। ये मिड में इस तरह से होता है, खाने के लिए जगह होती है, दस्तखान, इर्द गिर्द आप बैठते हैं, और इर्द गिर्द अगर आप देखें तो बिस्तर भी लगे हुए हैं आराम करने के लिए। सर थोड़ा सा पामरी हाउस के हवाले से बताएगा, क्या इनकी खास बात होती है? कुछ खास बात तो मैंने बता दी। बिल्कुल आपने सही बता दिया, जो वखी घर जो बना होता है उसके 5 स्तून होते हैं। अच्छा। और साइड में जो है ना वो सोने के लिए जगह होता है, और ये सेंटर जिसमें हम बैठे हुए, यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह जो है ना वो सर्व होता है। और सर्दियों में यहाँ पे अंगीठी भी लगी हुई होती है। अच्छा। तो जहाँ पे जब ठंड होता है तो उसमें आग जलाते तो इस घर को गर्म करते हैं। तो अभी हमने आपके लिए यॉक का जो है वो कढ़ाई बनाया हुआ है। यॉक कढ़ाई? जी यॉक कढ़ाई बनाया हुआ, तो अभी आप शुरू कर लें। हाँ जी ज़रूर, ऑनेस्टली दिस इज़ गोना बी माई फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस जी जी, कि मैं यॉक से बना हुआ कुछ खाऊंगी, टेस्ट करूंगी। मैंने वैसे सुना हुआ था सर, जी जी प्लीज़ आप देखें। जी जी मैंने वैसे सुना हुआ था सर कि यॉर्क का यहाँ से बर्गर मिलता है, पिज्ज़ा भी मिलता है। जी जी। लेकिन मुझे ये नहीं पता कढ़ाई भी बनती है, वैसे मैंने वो चीज़ें टेस्ट नहीं की। अच्छा मैं इसको चख के बताती हूँ कि ये किस तरह का है। वैसे तो देखने से सर बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा खूबसूरत सजा भी हुआ है, तो अभी चख के बताती हूँ कि हाउ इज़ इट। टेस्टी है, इट्स गुड, आई गेस इट्स द सेम
जैसे हमारा वो होता है ना मटन के जैसे टेस्ट है, मटन के जैसे टेस्ट है लेकिन बहुत मजे का है। तो आप चूंकि सब लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा पहले टेस्ट इसका बता दूं, बहुत मजे का है। हुंजा है तो यॉर्क की कढ़ाई आप भी ट्राई कीजिएगा। अभी चूंकि सारी टीम भी यहाँ पे मौजूद है तो हम लोग पहले खाना खाएंगे और उसके बाद चूंकि मैं आपको लेकर जाने वाली एक बहुत खास जगह पे, तो अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि कौन सी खास जगह है। बेसिकली चूंकि हम लोगों की कोशिश थी कि आपको जो गांव की लाइफ है हुंजा की खास तौर पे वो दिखाई जाए, कुछ हिस्सा मैंने दिखाया और एक और चीज़ स्पेशल जो कि मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ, दैट इज़ हुंजा की शादी। तो हम लोग जो कि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, गाँव से आते आते काफ़ी नीचे आते आते, नीचे जो घर है यहाँ आते आते थोड़ा टाइम लग गया, तो मेरे ख्याल से मैं पूरी शादी तो नहीं अटेंड कर पाऊंगी, लेकिन यहाँ से हम लोग जल्दी से खाना खाएंगे और उसके बाद यहाँ से फ्री होने के बाद मैं आपको लेके जाऊंगी एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे घर में एक्चुअली जहाँ पे शादी हो रही है। आई एम गोना शो यू कि बेसिकली उनके क्या रस्म रिवाज होते हैं, किस तरीके से शादी होती है। लेट्स हैव फूड सर प्लीज़।